हमारे घर के बाहर देख सकते हो भाई, पूरी अदानी ग्रुप वालों ने कर दिया खुदाई, मतलब तोड़ फोड़ कर दी बड़ी अच्छी खासी रोड बड़ी मुश्किल से बनती है और ऊपर से स्टेप से खुदाई स्टार्ट हो जाती है। एक गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो भाई वीडियो करते हैं आज का शुरू। तो आज क्या है भाई, हमारा हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। भाई टीचर्स डे आज, और काफ़ी कुछ मतलब याद आ रहा है यार, मतलब याद क्या बताऊँ यार, सीन पता क्या होता है यार टीचर डेज पर, मतलब कि पहले हमारा होता था भाई जाते हम स्कूल और भाई हम सीनियर्स होते थे उस टाइम, हम टीचर्स होते थे, बाकी अगर जब हम जूनियर्स थे तो सीनियर्स टीचर्स होते क्या होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता था उस टाइम। तो भाई वो चीज़ें आप मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ें अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएंगी, थोड़ा भावुक सा हो गया यार, मतलब कि होता ना कॉलेज स्कूल वगैरह तो मज़ा आता। तो फिलहाल ये कि आज मैं थोड़ा डे स्टार्ट करते हुए से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कि थोड़ा सा प्लान मन कर रहा है आज बनाना शेक बनाने का। तो घर पे रहता था, मैं सोचा थोड़ा सा कि क्यों बनाए बनाना शेक, क्योंकि पहले क्या होता था मेरे छोटे सिस्टर भी, मैंने जैसे आपने देखा था कि छोटे सिस्टर ही सारा काम करते थे, तो फिलहाल मतलब मैं लेके यार कुछ ना कुछ बना के देते कि भाई ये चीज़ वो चीज़। तो फिलहाल यार सिस्टर को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ छोटी बहन को, तो फिलहाल मतलब चले गए ससुराल। तो हम अब खुद बनाएंगे आज बनाना शेक, और कैसे क्या चीज़ होगी भाई थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहे केले जो हमने कल ही ले लिए थे भाई, हालांकि ले तो दो दर्जन थे बट फिलहाल थोड़े बहुत खा गए, और थोड़ा सा इनको खिला दिए क्योंकि दोनों से आप भी जानते हो शैतान है, खाने तो खाए गए। तो फिलहाल चलो बनाते हैं। मम्मी किचन में लगी बड़ी है, सारा सामान बस इधर से उधर रखा, तो भाई जगह तो है नहीं, मुझे मिक्सी लेनी पड़ेगी बाहर। मैं बाहर करूँगा स्टार्ट। देखा मम्मी रेडी है भैया खाली करने के लिए किचन, क्योंकि उन्हें पता उनका बेटा कैसा नालायक है। तो अच्छे से बनाना शेक बनाते हैं भाई, दिन का अच्छा शुरुआत होने वाली है। मतलब मैं मिक्सी चला रहा हूँ तो हमारी यहाँ पर जो रोजी है वो भोंक रही है, देखो कहाँ ये भोंक रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो उसको ना मतलब हो रहा है क्या चीज़ हो रही है, चलाऊँ ओके भोंक रही है। शेक इज नाउ रेडी, तो हमारा शेक बन गया, अब बस पीते हैं और नहाते हैं। शेक रेडी हो गया हमारा, चलो हम नहा के आते हैं यार, क्योंकि मैं बिना नहाए कुछ खाते पीते नहीं, तो चलो नहा के आते हैं फिर। भाई नहा धो के रेडी हो गए, चलो शेक पीते हैं, क्योंकि यार शेक थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा है, तो उसको पीते फिर टेस्टी कर सकते। यमी हो रहा है भाई सीरियसली, मज़ा आ गया मतलब कि मैं बनाना सीख गया बनाना से। और फिलहाल अगर बहन तू मेरी वीडियो देखे ना, वैसा आ रहा है कि हर बार मेरी बहन मेरी वीडियो देखती है, तो बहन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यार। अगर होती तो यहाँ पे हाँ सीधा बोलते हैं बना कर देना इस टाइप से, प्लीज मज़ा आ रहा है, मैं खुद सीख गया बहन, थैंक यू कि तुमने सिखा दिया मुझे, अब धीरे धीरे सारे काम कर रहा हूँ मैं। चलो सेकंड एंजॉय करते हैं, तोड़ देखो रोड मार के बाहर की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन के चक्कर में ना ये तोड़ खुदाई चल रही है। अंकल यहाँ भी पूरा कंप्लीट हो गया खुदाई, तो ये भी पूरे तोड़ जाएगी कंप्लीट, नक्शा बिगाड़ देंगे भाई रोड का, ये तो सच्ची है, लेकिन होना है ना उसका। सो भाई देख सकते हो अदानी नंबर 3 पे क्यों आया, उसका रीज़न ये है कि भाई वो अदानी ऑयल इंडियन गैस प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, और घर घर जाके गैस दी जा रही है। तो मेन रीज़न ये है कि भाई रिचेस्ट पर्सन इंडिया में थर्ड नंबर, भाई वर्ल्ड पे थर्ड नंबर पे, मतलब इंडिया में रिसर्च करके बता दूंगा फिलहाल। तो भाई बाहर चला कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब अदानी ग्रुप वालों की भाई जो गैस पाइप है ना वो बिछड़ी, तो भाई उसके चक्कर में भाई तो बहुत तोड़फोड़ हो गई घर में हमारे, मतलब घर के बाहर, घर में क्या गैस पाइप तो लेना कनेक्शन भाई, क्योंकि सिलेंडर वैसे महंगा हो गया, महंगाई की बात करो तो भाई साहब नो कमेंट्स, वरना कुछ आ जाएंगे अपने लेके चोचने वाची, तो इसलिए कुछ नहीं भाई फिलहाल जो भी गवर्नमेंट ने कहा भाई, तो उसके चलते भाई थोड़ा आज बड़ा इशू होने वाला मेरे साथ, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो धूप हो रही है, बाइक अंदर कर देता हूँ धूप में, बट वो भी कर पाऊँगा, बेचारी बाहर खड़ी मेरी है, बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है बाइक के लिए और बाहर खड़ी है। तो फिलहाल ये कि जब तक जितने देर में होता है ये पता नहीं कब तक होगा, मतलब शाम तक इनसे बात तो हो चुकी है, शाम तक कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर दो भाई फिर तो गाड़ी वाला इशू हो जाएगा, लेकिन धूप बहुत हो रही है, अब ये काम भी करवाना जरूरी है गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। और भाई देखो हमारी बेचारी लीजा कितने स्टाइल से बैठी है सब्जी वाली टोकरी में, और निकल गई भाई भाई, अब इसको लग रहा है इसकी ना मतलब कैमरे के सामने तारीफ हो गई है, तो भाई निकल के आ गई बाहर, अब ये पीटर के पास सो जाएगी। पीटर देखो हमारा कितना शांत पड़ा, पीटर बेटा पीटर
पीटर, और देखो वो वहाँ सो गई, वो कह रही मुझे भाई उठा दिया, मतलब फोटो में ले लिया तो उठा दिया उसको। सो भाई पाइपलाइन इसमें वाले अदानी ग्रुप वालों की तो फिलहाल काम हो गया, थोड़ा चल रहा, तो इसमें चलो गांव घूम के आते हैं, गांव का मेला लगा हुआ है नौमी है, तो चलो लेट्स इंजॉय। बेसिकली ये हमारे गांव का मेला, भाई ये ऊपर का व्यू है, टॉप व्यू देख सकते हो, बाकी नीचे जाकर दिखाएंगे क्या सीन है, भाई कितना क्रेजी है। भाई ये कम्प्लीटली मेला हमारे गांव का, और देख सकते हो कितने स्टाइल से लगा हुआ है यहाँ पे, खा लो। और आई थिंक नौमी का लगता है ये मेला, और बेसिकली भीड़ बहुत है यार, और गांव का फर्स्ट टाइम आफ्टर 50 अंकल, भाई गाड़ी वाले बहुत हैं यार, गाड़ी वाले बहुत हैं। बहुत बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा हो गया सीन, पहले शॉप और कैमरे में यहाँ पे, और खाने का सीन अपना ये रहा, और एक ये रहा खिलौने का सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो भाई, मतलब काफ़ी फैंटास्टिक जोन पे है, और ये यहाँ पे इस टाइप से, और ये कितने आराम से, और एक क्रेजी सीन यहाँ पे भाई देखो डाल रहा है, और पूरा प्रैक्टिस हो रखा है भाई इसको, मतलब गांव में ये भी चीज़ है कि सब चीज़ें आ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में नहीं होता, मेनली सब चीज़ें होती हैं गांव में। और यहाँ पे देखो विदाउट इलेक्ट्रिक के झूला, सबसे मेन चीज़ है बिना इलेक्ट्रिक के झूला भाई, सबसे मेन अच्छी बात, थोड़ा सा मस्ती का सीन बच्चों का, फिर इसको शाम हो गई ना तो मतलब लाइटिंग का इशू आ रहा है, हल्का सही है, मतलब पूरा कंप्लीट ना बिना बिजली के चल रहा है, इसमें कोई बिजली बिजली नहीं है, और बिना बिजली के पावर के है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, और इस टाइप का ये सीन है, और बस लास्ट है ये एंड है, तो इसमें कोई ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए, और एक झूला हुआ फाइनल लाइटिंग का तो है नहीं, ये मेला जो है ना जो मेला है ना सिर्फ ये दिन दिन का होता है यहाँ पे, मतलब कि नौमी का होता है यहाँ पे, मतलब प्रसाद भी चढ़ता है, और ये जो मंथ चल रहा है ना नवरात्रों से पहले आता है, और उस टाइम में नौमी बनती है, अष्टमी नौमी, तो उससे मेला होता है, तो काफ़ी अच्छा क्रेजी सीन होता है यहाँ का, पूरा कम्प्लीटली गाँव में होता है, और यहाँ की देखो सबसे अच्छी चीज़ का शौक वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हो भाई यहाँ पर मूर्ति वगैरह स्टेप से